हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह सोशल मीडिया का परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और अपने काम में बिल्कुल व्यस्त होगा। दोस्तों, जितना भी ज़्यादा हम व्यस्त रहते हैं ना, डेफिनेटली टेंशन जो है ना वो हमसे कोसों दूर रहती है। और जैसे ही हम खाली हो जाते हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता है, हमारे दिमाग में तरह तरह के बहुत सारे विचार आने लगते हैं, जिसकी वजह से न जाने हम किस नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपने जीवन को बहुत सारी निराशाओं से भर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास करने के लिए लग रहा है कुछ नहीं है, तो प्लीज बाहर निकल जाइए, इस प्रकृति को निहारिए, इस खूबसूरत चलते फिरते लोगों को देखिए, ताकि आपको अपने आप को फ्री रखने का मौका ही ना मिले। और जब आप फ्री नहीं होंगे ना, तो यकीन मानिए कि जितनी भी समस्याएं जो आपको घेरे रहती हैं ना, वो न जाने कब छूमंतर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक ऐसी ही बीमारियों को छूमंतर करने वाली एक हर्ब है, जिसे हम जानते हैं मुलैठी के नाम से, मतलब लिकरिश के नाम से। आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी के बहुत सारे गुणों के बारे में बात करेंगे। यकीन मानिए कि अगर आपने इसके गुणों को सही से पहचान लिया और इसको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ना सिर्फ ये आपको जवानी को लौटा सकती है, बल्कि आपकी स्किन को खूबसूरत बना सकती है, आपके शरीर में होने वाली जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा दिला सकती हैं। लेकिन बस आपको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए, तो वही बताने के लिए तो मैं आज आपके सामने हूं। सो मेक श्योर ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है सो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस परिवार का आप अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को एक बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो लाते हैं और बीच में कभी कभी हम लाइव भी करते हैं, जहां पर मैं आपसे गुफ्तगु करता हूं, आपके जो सवाल होते हैं उनके रिप्लाई करता हूं और बेहतरीन आपको जो नई से नई टेक्निक्स स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आ रही हैं उनसे तारुफ करवाता हूं। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, मुलैठी जो कि बहुत आसानी से हमारे आसपास के किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाती है, यूं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर मैं मेजर 8 बेनिफिट्स की बात करूं, तो पहला जो बेनिफिट आता है ना दोस्तों, वो आता है हमारी स्किन से रिलेटेड। मुलैठी, जिसको लिकरिश कहा जाता है, वो आजकल आप देखोगे बहुत सारे जो महंगे महंगे जो कॉस्मेटिक्स हैं उनके अंदर उसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुलैठी को मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने बाहर की क्रियाएं करते हुए देखते हैं अपने शरीर द्वारा, हम हाथ चला रहे हैं, हम पैर चला रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं और जिन पर हमारा कंट्रोल भी नहीं होता। पेट के अंदर खाने का पचना, किडनी में पानी का फिल्टर होना, फेफड़ों में हवा का आना जाना, या फिर हमारे कानों में आवाज़ की जो वाइब्रेशंस हैं उनका आना, गूंजना और सुनाई देना, ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर में हो रही हैं। तो नेचुरल तरीके से होने वाली इन प्रक्रियाओं के होने पर हमारे शरीर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, जिनका हमारे शरीर में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। अब क्योंकि ये खाली है, क्योंकि ये फ्री है, तो बिल्कुल वैसे ही जब हमारा दिमाग खाली दिमाग शैतान का हम कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर या शरीर के अंदर बनकर हमारे शरीर को बीमार करने का काम करते हैं। और इन्हीं को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ होती है ना, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। सो मुलैठी जो है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका स्किन के लिए हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, दो तरीके से। आप रोज रात को सोने से पहले एक चम्मच मुलैठी पाउडर लोगे, उसको मुंह में डालोगे और ऊपर से गुनगुना दूध या गुनगुना पानी पी करके इसको अंदर ले जाओगे शरीर के, और आप देखोगे कुछ ही दिनों में यह आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट बना रहा है, आपकी स्किन का जो रंगत है वो निखरने लगेगा, आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाएगा, डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे, टैनिंग खत्म हो जाएगी, और अगर आपकी स्किन में समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है वो भी ये बहुत आसानी से दूर कर देगा। तो ये तो हुआ मुलैठी का अंदर से लेने का तरीका। अब बाहर से क्या करेंगे, इसी मुलैठी पाउडर को एक चम्मच लेकर आप एक चम्मच एलोवेरा जेल के साथ मिलाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, 10 से 20 मिनट के लिए एक फेस पैक की तरह लगाकर छोड़ेंगे और उसके बाद चेहरे पर अच्छे से मसाज करके आप इसे धो देंगे। हफ्ते में अगर 2 बार भी अगर आपने इसे बाहर से लगा लिया, तो ये चेहरे पर जमा जितने डेड सेल्स हैं उन्हें निकाल कर उन्हें
वापस से आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में आपकी मदद करेंगे। अब दूसरा जो फायदा आता है वो आता है हमारे बालों के लिए। मुलैठी जो है वो एक नेचुरल हेयर पॉलिशर का काम करते हैं, मतलब हमारे बाल को ये पॉलिशिंग इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से बाल की अगर चमक गायब हो गई है या बाल में रूखापन आ गया है या बालों के अंदर दोमुहापन आ गया है, जिसे हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं, उन्हें ख़त्म करने में भी ये हमारी मदद करते हैं। बहुत आसान है, आपको लगभग 50 ग्राम दही लेनी है। इस 50 ग्राम दही के अंदर आपको 50 ग्राम एलोवेरा जेल ऐड करना है। कोशिश करो कि एलोवेरा जेल ऑर्गेनिक होना चाहिए। मैं भी आपको अमेजोन से ऑर्गेनिक जेल परचेज करने का लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप आसानी से इसे परचेज कर पाओगे। तो 50-50 ग्राम आपने दोनों ले लिया, इन दोनों चीजों को अच्छे से मिलाइए और इसके अंदर लगभग 2-3 चम्मच आप मुलैठी पाउडर के डाल दीजिए और लीजिए, आपका एक हेयर पैक बनकर के तैयार है। ये जो हेयर पैक है ये आप हफ्ते में एक बार आपके बालों की जड़ों से लेकर के बालों के कोनों तक लगाइए, आप एंड्स तक लगाइए और आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे या एक घंटे बाद जब आप इसे वॉश करोगे और उसके बाद आप शैम्पू करोगे, लेकिन याद रखिएगा शैम्पू जब कर रहे हैं वो माइल्ड होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके बालों की जो चमक है वो वापस से आने लगेगी और आपके बाल जो है वो एक एक बाल बिल्कुल खिला हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर जो इफेक्ट आपको देना था, जो पॉलिशिंग इफेक्ट देना था, वो इस मुलैठी ने आपको दे दिया है। तो यकीन मानिए ये आपको बहुत अच्छा एक हेयर स्पा या एक हेयर पैक की तरह काम करके देने वाला है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हफ्ते में एक बार करोगे बहुत है, और हफ्ते में ज़्यादा अगर आपको समय मिलता है तो वो भी आप कर सकते हो। तीसरे अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो मुलैठी जो है वो हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है। हमारे खाने के बाद जो खाना पचने की जो प्रक्रिया होती है, अगर वो सही से चले, हमारा डाइजेशन अगर अच्छा हो, तो यकीन मानिए कि हमारे शरीर में बीमारियां होती नहीं, क्योंकि नेचुरोपैथी में ये माना गया है कि बीमारी होने का मेन कारण ही हमारे पेट का गड़बड़ होना है, और जब पेट ठीक होने लगता है तो बीमारियां अपने आप हमारे शरीर से कोसों दूर भाग जाती हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे पेट के लिए, तो बहुत आसान है। रात को सोते समय आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच आप मुलैठी पाउडर के डाल दीजिए, अच्छे से इसे उबालिए जब तक कि ये पानी आधा नहीं रह जाता है। अब इस मुलैठी को आप छान करके अलग कर लीजिए और ये जो पानी बचा है इसको रात को सोने से पहले आप पी करके सो जाइए। रात भर में ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ताकतवर बनाने का काम करेगा और अगले दिन से ही आपको इसका असर जो है वो दिखाई देने लगेगा। बट आपको इस प्रोसेस को हर रोज करना है, कम से कम 3 महीने के लिए। चौथा अगर मैं फायदा की बात करूं तो ये हमारे जोड़ों के दर्द को खत्म करता है। जोड़ों के अंदर जिस भी लोगों को दर्द रहता है, चाहे वो घुटनों के जोड़ हों, चाहे वो कोहनियां हो, कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, या फिर गर्दन का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, तो मुलैठी पाउडर से तेल एक बनाइए और उस तेल से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स आने वाले हैं। कैसे बनाओगे? आपको लेना है 100 ग्राम सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह आप नारियल का तेल ले सकते हो, तिल का तेल ले सकते हो, या फिर जो भी तेल आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आपको 4 चम्मच मिला देने हैं मुलैठी के, अच्छे से मिला करके अब इसे बहुत धीमी आंच पर पकाइए अगले 10 से 20 मिनट के लिए। अच्छे से जब ये पक जाएगा ना तो आपको लगेगा ये बहुत गाढ़ा हो गया है, लेकिन अब आप इसे मलमल के कपड़े में रख करके छानिए और अब आपका ये मुलैठी वाला तेल, जो कि पेन किलर ऑयल की तरह काम करेगा, इस तेल को जहां पर भी आपको दर्द है, जहां पर भी आपको लग रहा है कि जकड़न है, स्टिफनेस है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, वहां पर आप इसे लगाइए और अच्छे से 5-7 मिनट के लिए मसाज करके छोड़ दीजिए। आप देखोगे कुछ ही दिनों के अंदर आपके जोड़ों की जो स्टिफनेस थी, जो जकड़न थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और आप पहले से बेहतर अनुभव कर रहे हैं। अगला जो उपाय आता है मुलैठी का वो आता है हमारे शरीर को ये डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी चर्बी जमा है या टॉक्सिन्स जमा है, या लिवर के अंदर या किडनी के अंदर, या कहीं पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गंदगी जमा है जो नहीं निकल पा रही है, जिसकी वजह से शरीर की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो मुलैठी हमें वहाँ पर भी मदद करके देती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है मुलैठी पाउडर को एक मॉर्निंग ड्रिंक की तरह। तो हम लेंगे एक ग्लास
ग्लास पानी, इसके अंदर एक चम्मच मुलेठी मिलाएंगे, एक चम्मच हम साबुत धनिया जो रहता है ना गोल वाला जिसकी पंजीरी बनती है जन्माष्टमी के दिनों पर, आप फोटो भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो आपको यहाँ पर एक चम्मच डाल देना है। अच्छे से इस एक ग्लास पानी को आधा ग्लास होने तक उबालिए। अब इसे छान करके सुबह सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद आप इसे पीजिए और आधे घंटे बाद आप चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं वो ले सकते हैं। आप देखोगे कि ये आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहे हैं और आपको मैजिक्स की तरह ये डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक वेट लॉस करने में, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में और आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की जो गंदगी जमा थी उसको निकालने में मदद कर रहे हैं। सो मेक श्योर मुलेठी को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। मैं भी आपको अमेजोन से परचेज करने का लिंक दे दूंगा जहाँ से जा करके आप ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर परचेज कर पाओगे जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा और ये आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देगा अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आप हर वीडियो पर अपना प्यार बरसाते आए हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी देंगे और ये चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। आपका प्यार आप ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आप अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।